गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास ट्वेल्थ। आज हम पढ़ेंगे थर्ड चैप्टर ठेस। आज हम थर्ड चैप्टर ठेस पढ़ेंगे और पहले हम उनके लेखक परिचय हम पढ़ते हैं कि उनके इस चैप्टर के लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु। आज हम उनका जीवन परिचय पहले पढ़ते हैं, ठीक है। कथाकार श्री फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म बिहार के पूर्णिया जिले के औराही हिगना गांव में 4 मार्च 1921 ईस्वी को हुआ था। अंडरलाइन कर लीजिए, इनका जन्म 4 मार्च 1921 को हुआ था। रेणु ने विद्यालयीन शिक्षा इंटरमीडिएट तक ही प्राप्त की और उच्च शिक्षा के लिए विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया। उच्च शिक्षा के लिए इन्होंने विश्वविद्यालय प्रवेश लिया, लेकिन महात्मा गांधी के आह्वान पर पढ़ाई छोड़कर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बन गए। महात्मा गांधी ने उन्हें आह्वान किया, मतलब बुलाया, तब उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़कर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बन गए। सन 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय उन्होंने भाग लिया। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में उन्होंने भाग लिया और सन 1952 ईस्वी से राजनीति को छोड़ पूरी तरह साहित्य को समर्पित हो गए और 1952 में उन्होंने राजनीति को छोड़ दिया और पूरी तरह से साहित्य को समर्पित हो गए। सन 1970 ईस्वी में आपको पद्मश्री से सम्मानित किया गया और 11 अप्रैल 1970 ईस्वी को आप दिवंगत हो गए और आपके ठुमरी आदिम रात्रि की महक, अग्निखोर आदि कहानी संग्रह प्रकाशित हुए तथा मैला आंचल परती परिकथा दीर्घ तपा जुलूस कितने चौराहे आदि उपन्यास प्रकाशित हुए। आपने कथाकार के साथ रिपोर्टार्ज लेखक के रूप में भी ख्याति प्राप्त की। मैला आंचल और परती परिकथा उपन्यास के प्रकाशन के बाद रेणु जी हिंदी के एक बड़े कथाकार के रूप में प्रतिष्ठित हुए। इन दोनों उपन्यासों ने पहली बार हिंदी भाषा के अभूतपूर्व व्यंजना कौशल, संगीतात्मकता, चित्रात्मकता और लोक संस्कृति के सौंदर्य चित्रण की गहरी क्षमता से परिचित कराया। अस्तु, आपके आंचलिक उपन्यासों के आधार पर हिंदी में आंचलिक कथा परंपरा विकसित हो गई और इन्होंने आंचलिक कथा परंपरा विकसित की और रेणु जी की भाषा आंचलिक परिवेश लिए हुए है भाषा में आंचलिक परिवेश लिए हुए है, मतलब प्रादेशिक भाषा का इन्होंने प्रयोग किया है और भाषा में अंग्रेजी, अरबी, फारसी आदि शब्दों के साथ साथ उनकी भाषा कैसी, अंग्रेजी, अरबी, फारसी आदि शब्दों के साथ साथ मुहावरों, लोकोक्तियों तथा श्रुक्तियों का इन्होंने पर्याप्त प्रयोग किया है और भाषा में सर्वत्र प्रभाव है और आपके साहित्य में मानव जीवन की स्थानीय व्यक्तिकता विशिष्ट रूप से उभरती है और इनके आपके साहित्य में मानव जीवन की स्थानीय व्यक्तिकता जो है विशिष्ट रूप से दिखाई देती है तो आपको समझ में आया कि फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म जो है 4 मार्च 1921 को हुआ और रेणु ने अपनी विद्यालयीन शिक्षा इंटरमीडिएट तक ही प्राप्त की, मतलब इंटरमीडिएट कहलाता है ट्वेल्थ तक की क्लासेस तक ही प्राप्त की और उच्च शिक्षा के लिए विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया। महात्मा गांधी के आह्वान पर उन्होंने आगे की पढ़ाई छोड़ करके उनको ये साथ स्वतंत्रता सेनानी बन गए और 1942 में इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया और 1952 में राजनीति को इन्होंने छोड़ दिया और फिर वे पूरी तरह से साहित्य को समर्पित हो गए और इसके बाद 1970 में आपको पद्मश्री से सम्मानित किया गया और 11 अप्रैल 1970 ईस्वी को आपकी मृत्यु हो गई और आपके ठुमरी आदिम रात्रि की महक, अग्निखोर आदि कहानी संग्रह प्रकाशित हुए, ठीक है, इसे अंडरलाइन कर लीजिए। और ये जो है उनके रचनाएं हैं, संग्रह प्रकाशित हुए तथा मैला आंचल, परती परिकथा, दीर्घ तपा जुलूस कितने चौराहे आदि उपन्यास इन्होंने प्रकाशित किए। तो इन्होंने कहानी भी लिखी और उपन्यास भी लिखा। आपने कथाकार के साथ रिपोर्टार्ज लेखक के रूप में भी इन्होंने प्राप्त की और मैला आंचल और परती परिकथा उपन्यास के प्रकाशन के बाद रेणु जी हिंदी के एक बड़े कथाकार के रूप में प्रतिष्ठित हुए। इन दोनों उपन्यासों ने पहली बार हिंदी भाषा के अभूतपूर्व व्यंजना कौशल और संगीतात्मकता, चित्रात्मकता और लोक संस्कृति के सौंदर्य चित्रण की गहरी क्षमता से परिचित कराया, इसलिए आपके आंचलिक उपन्यासों के आधार पर हिंदी में आंचलिक कथा परंपरा विकसित हुई और इनके उपन्यासों के आधार पर ही आंचलिक कथा परंपरा जो है वो विकसित हो गई, मतलब
जगह आंचलिक मतलब छोटे छोटे जो जगह हैं उनकी कथा जो है लिखने की परंपरा जो है वो विकसित हो गई। और रेणु जी की भाषा आंचलिक परिवेश लिए हुए थी। भाषा में अंग्रेजी, अरबी, फारसी आदि शब्दों के साथ साथ मुहावरे, लोकोक्तियाँ, इनकी भाषा में क्या है, अंग्रेजी भी है, अरबी, फारसी आदि शब्दों के साथ साथ मुहावरों, लोकोक्तियों तथा सूक्तियों का भी पर्याप्त प्रयोग हुआ है। भाषा में सर्वत्र प्रभाव है, सभी जगह भाषा में प्रभाव दिखाई देता है और आपके साहित्य में मानव जीवन की स्थानीय व्यक्तिकता विशिष्ट रूप से उभरी है। और आपके साहित्य में मानव जीवन की स्थानीय व्यक्तिकता विशिष्ट रूप से दिखाई देती है। तो समझ में आया? ठीक, जो नहीं समझ में आया आप डाउट क्लास में पूछ लीजिएगा।